नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। तस्वीरों में भी कहानियाँ छिपी होती हैं, बस उन्हें देखने की नजर और नजरिया चाहिए। ये केस भी एक तस्वीर है जिसमें एक सहमा देने वाली व्यथा छिपी है, और इस व्यथा के कई जीते जागते पात्र थे जिनकी आप बीती 223 पन्नों की एक चार्जशीट में लिखी गई थी। इस केस के केंद्र में थी 16 वर्षीय काव्या। पेंटिंग और साइकिलिंग का शौक रखने वाली काव्या ने सोचा नहीं होगा कि वो एक ऐसे गुनाह का केंद्र थी जहां से ये केस 360 डिग्री का घुमाव लेकर एक ऐसी परिधि का निर्माण कर रहा था जिसके अंदर इंसानी दर्द को चीर देने वाली सिसकियां भी थी और डरा देने वाला हाहाकार भी। कहते हैं इंसान के शरीर में जितने रोम होते हैं पूरे जीवन काल में उसके मन में उतनी ही संख्या के कई ख्याल जन्म लेते हैं, और इस केस को जन्म देने वाला भी एक ख्याल था, एक ऐसा विकृत ख्याल जो हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री का काला धब्बा बन गया। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी काव्या, चलो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। मम्मी सच में पेट में बहुत दर्द हो रहा है। काव्या तेरे बहाने नहीं खत्म होते, चल उठ बेटा। माँ सच बोल रही हूँ, विंची दादा की कसम। विंची दादा, ये कौन है? माँ, लियोनार्डो दा विंची, द फेमस पेंटर जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी। वाह बेटा वाह, और तू अपनी माँ को बना। उठ काव्या, बेटा बोर्ड एग्जाम्स है, इस बार तेरे कुछ तो पढ़ ले। अरे माँ पढ़ लूंगी, लेकिन अभी पापा। अरे तू काव्या सुन बेटा। अरे तू पापा। मेरा बच्चा। पापा मैंने एक पेंटिंग बनाई है, आपको दिखाऊंगी यहाँ भी। और वो और अब कहाँ गया पेट तक? हाँ अभी भी हो रहा है पापा, देखो ना। काव्या तेरी नौटंकी बंद कर, जल्दी रेडी हो और स्कूल जा वरना लेट हो जाएगी तू। अरे क्या सरिता, बेचारी के पेट में दर्द हो रहा है और तुम इसे डांट रही हो। जा बेटा, आज की तेरी स्कूल की छुट्टी। बिगाड़ो और बिगाड़ो बेटी को, एग्जाम में इतने बड़े बड़े अंडे मिलेंगे ना, तो मुझे मत कहना। अरे कुछ नहीं होगा। माँ अगर स्कूल ना जाए तो मैं भी छुट्टी कर लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये जल्दी यूनिफॉर्म पहनो, रेडी हो, तेरी स्कूल बस आ रही है। सरिता मुझे एक घंटे में निकलना है, हाँ तुम जरा चाय रख दो। अरे ये क्या बात हुई, और आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं आजकल, इतना नाइट शिफ्ट क्यों कर रहे हैं आप? क्या करूँ, दूसरा यूनिट जो शुरू हो रहा है, मैं भी नहा कर आता हूँ। हाँ एक मिनट, आप ग्रीन चेक शर्ट पहन के गए थे ना, फिर ये? हाँ वो नाइट ड्यूटी लगने वाली थी ना, तो मुझे अंदाजा था इसलिए एक एक्स्ट्रा शर्ट साथ ले गया था। नहा कर आता हूँ। हाँ इनकी गंदी शर्ट ना बैग में ही होगी, धोने में डाल देती हूँ। सरिता। हाँ मैं मेरे बैग में क्या कर रही हो? अरे वो आपने बोला था ना गंदी शर्ट है, तो मैंने सोचा मैं धोने में डाल दूं। शर्ट तो मिली नहीं, ये चाबी किसी के घर की है क्या? नहीं वो घर की नहीं, गोडाउन की चाबी है। वो मैं अपने कपड़े गलती से फैक्ट्री में भुलाया था, तो कपड़ों की जगह ये चाबी उठा लाया। बहुत भड़कड़ होता जा रहा हूँ अभी। हाँ तो एक काम करो, मेरी चाय बना दो, मुझे देर हो रही है। कहाँ चलने गए थे तुम? वो घर गया था। घर गए थे तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मुझसे रिश्ता रखना है तो अपने घर से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा तुम्हें। सुनीता तुम समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। देखो तुम्हें अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको जाके सब सच सच बता दूंगी। सुबह आ गए मैं। इट्स ओके,
काव्या चले बाल्टी उठा और अंदर लेके जा, मैं उदय को लेने जा रही हूँ। माँ मैं ले आती ना उदय को, और वो रिया से भी पूछ लूंगी कि स्कूल में क्या पढ़ाया है। अच्छा चल ठीक है फिर, तू ही चली जा, जा। और सुन हाँ? उदय को लेके सीधा घर आना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ। काव्या काव्या सुनना, काव्या मुझे ना तुझसे काम था। क्या काम है रोनी आंटी? नहीं माँ, दीदी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए रिया दीदी मुझे घर छोड़ने आई। बहुत लापरवाह हो गई है ये काव्या, पता नहीं कहाँ चली गई। रिया बेटा अगर तुम्हारे घर काव्या आए ना तो उसे कहना उसकी मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। ठीक है आंटी, मैं बोल दूंगी उसको। ठीक है बेटी, बाय। माँ हाँ, काव्या दीदी का फोन तो यहीं पे है। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी मैं मयूर की वाइफ बोल रही हूँ, मेरी उनसे बात करा दीजिए प्लीज। सरिता जी, मयूर ने 2 दिन की छुट्टी ली थी और पिछले 2 दिन से वो फैक्ट्री नहीं आया है। 2 दिन से नहीं आया? उदय माँ, काव्या आ गई क्या घर पे? नहीं माँ, आपको मिली दीजिए। नहीं चल उधर उधर देखते चल। हाँ। चल भाई साहब, ये मेरी बेटी है काव्या, आपने देखा कैसे कहीं? मम्मा काव्या दीदी की साइकिल। काव्या की साइकिल? भाई साहब सुनिए ना, ये मेरी बेटी है काव्या, 15-16 साल की है, ये उसकी साइकिल, आपने देखा क्या? हेलो मयूर, काव्या कहीं नहीं मिल रही। तुम फिक्र मत करो, मैं भी आ रहा हूँ, किसी काम में फंसा हुआ था। मयूर प्लीज झूठ मत बोलो, मुझे पता तुम 2 दिन से फैक्ट्री नहीं गए हो। क्या बोल रही हो सरिता? मुझे कोई बहस वहस नहीं करनी, बस मुझे काव्या मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काव्या जरूर मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ ना। तुम एक काम करो, तुम तब तक पुलिस को इन्फॉर्म करो। मेरी बेटी काव्या अपने भाई उदय को पिक करने के लिए निकली थी, ये उसकी साइकिल है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम आसपास के एरिया में पता कर रही है, आपकी बेटी बहुत जल्द मिल जाएगी। सर इस पूरे एरिया में ना कोई दुकान है ना कोई सीसीटीवी, हम काव्या की फोटो आसपास के लोगों को दिखा रहे हैं। सर तो अपनी जांच का एरिया बढ़ाओ। यस सर। किसी भी हालत में लड़की को दो। काफिया को अगवा क्या गया है? पूरा एरिया छान मारो, दिन दहाड़े ऐसी कोई लड़की गायब नहीं हो सकती। एक एक आदमी को काफिया का फोटो दिखाओ, किसी ने किसने काफिया को जरूर देखा होगा। यस सर। आपके बेटे की स्कूल बस यहाँ आकर रुकती है, यहाँ से आपका घर कितनी दूर है? जी 0.5 किलोमीटर इस तरफ। आपका घर है यहाँ से 0.5 किलोमीटर दूर इस तरफ, और काव्या घर से यहाँ आने के लिए निकली, जबकि काव्या की साइकिल मिली हमें मकराना रोड पर जो यहाँ से 700 मीटर दूर। सर वो हमारे घर से ना एक रास्ता मकराना रोड की तरफ भी निकलता है जो सीधा फिर यहीं आता है। तो काव्या ने यहाँ आने के लिए इतना लंबा रास्ता क्यों लिया होगा? क्या मकराना रोड पर काव्या का कोई जानने वाला रहता है जहाँ वो जाने वाली है? जी जी नहीं, काव्या को साइकिलिंग का शौक है, हो सकता है इस वजह से उसने वो लंबा रास्ता लिया। क्या काव्या का कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं सर, वो तो बस 16 साल की छोटी बच्ची है। हाँ लेकिन क्या है कि आजकल की जनरेशन। अरे भाई हमने काव्या का फोन अनलॉक होने के लिए दिया, शायद उससे कुछ पता चला। सरिता जी आपने हमें बताया था कि काव्या हमेशा स्कूल ना जाने के लिए बहाने ढूंढती थी, तो क्या स्कूल में उसे कोई प्रॉब्लम थी? नहीं ऐसा तो उसने न कभी कुछ कहा न बताया। आपके किसी के साथ दुश्मनी अनबन या धमकी दी हो किसी ने आपको? जी नहीं बिल्कुल भी नहीं।
हमें लगता है बहुत जल्दी आप लोगों को फिरौती के लिए कॉल आए। जैसे ही कॉल आए प्लीज हमें बताइए। मैंने काव्या को रोहिणी दीदी के साथ आज दोपहर में देखा था, दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कहाँ रहती है रोहिणी? जी हाँ, मैं दोपहर को मिली थी काव्या से। काव्या काव्या सुनना, काव्या मुझे ना तुझसे एक काम था। क्या काम है रोनी आंटी? कल ना मेरे घर पाठ होने वाला है, तो मम्मी से कहना कि आए, ठीक है? 2 बजे तक आ जाए। ठीक है, मैं बोल दूंगी। काव्या की माँ उसे जगह जगह ढूंढ रही थी, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? क्या आप मिली थी काव्या से? मैं पूजा में मग्न थी, और एक बार पूजा में ध्यान लग जाता है तो फिर मेरा कहीं ध्यान नहीं लगता। अब मैं जाऊं, मेरी पूजा अधूरी है। जी सर, फॉरेंसिक्स ने ये कंफर्म किया है कि काव्या की साइकिल के पास जो रुमाल मिला था उसमें काव्या के पेरेंट्स को अभी तक रैंसम का कॉल आया नहीं। 12 घंटे हो गए हैं किडनैपिंग में, अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था। ये किडनैपिंग वाकई में रैंसम के लिए हुई है या फिर एंगल कुछ और है? एक नंबर का नालायक हो गया है तो शर्म नहीं आती ना तुझे? फिर फेल हो गया? अरे मंदबुद्धि, दिमाग में भूसा परा पड़ा है या गोबर? बाबूजी एक और मौका दे दो, मैं अगली बार सब करना लायक। अरे तुझसे तो अच्छा किसी जानवर को पड़ा था तो वो अफसर बन जाता। लेकिन बाबूजी मैं अगली एकदम चुप। काव्या नहीं है, सुनो ये काव्या नहीं है, ठीक है? ये काव्या नहीं है। किसी को भी ऐसे लटा के मत बोलोगे कि हमारी बच्ची तो हमने मानेगी। ये काव्या नहीं, ये काव्या नहीं। संभालिए अपने सुर। ये अरे ये काव्या ही नहीं है इसमें। चलिए। ये काव्या नहीं है भाई, और मेरे बात शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मेरे जी, ये जलेबी बॉडी हमें उसी एरिया के पास मिली जहाँ पर काव्या की साइकिल मिली थी। वैसे तो बॉडी 99% जल चुकी है, लेकिन राइट हैंड का कुछ हिस्सा जला नहीं, और उस पर एक मार्क है। काव्या के कलाई पे भी निशान था। तो क्या ये काव्या? काव्या ना तो फरौती मांगी गई है, ना ही कोई दुश्मनी का एंगल सामने आया। आखिर 16 साल की बच्ची को कोई इतनी बुरी तरह से जलाकर क्यों मारेगा? काव्या का फोन अनलॉक हुआ? सर मेरी साइबर टीम से बात हुई है, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। काव्या के पेरेंट्स ने किसी पर शक नहीं जताया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि काव्या के पेरेंट्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं जो इस केस से कनेक्टेड है, इसलिए इस केस की कड़ियां नहीं जुड़ रही हैं? एक काम करो, काव्या के पेरेंट्स की बैकग्राउंड का बात। सर मैं सोच रही थी कि काव्या की फ्रेंड रिया से बात करूं, हो सकता है जो बात पेरेंट्स को ना मालूम हो वो दोस्त को मालूम हो। काव्या बार बार स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढती थी, क्या स्कूल में उसे कोई बुली कर रहा था? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका दिमाग कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं था, उसका दिमाग तो हमेशा पेंटिंग बनाने में और साइकिलिंग करने में लगता था। काव्या के पेरेंट्स का कहना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, क्या तुम्हें पता है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में? मेरे हिसाब से काव्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। गुड्डू इधर आ, यहाँ भी पीछे, स्कूल में भी पीछे, हाँ आगे कब बढ़ेगा? अरे स्कूल में तेरा नाम जनक रखा था ये सोच के कि राजा जनक जैसा विद्वान बनेगा, और तू नाम खराब करने पे तुला है। अब इसंबर आजकल बहुत नाटक हो गए तेरे, हाँ? अरे बाजार भाव से ज्यादा पैसे दे रहा हूँ फिर भी तू नाटक कर रहा है? देखिए प्रमोद जी, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मुझे वो जमीन नहीं बेचनी। सोच ले विसंबर, बेटा छोटा है भी तेरा। देखिए धमकी मत दीजिए। पढ़ना क्या करेगा तू? पढ़ना क्या? अरे साला दो करे का आदमी सदा बैठेगा। माँ दीदी ने आधे घंटे से खड़ा कर रखा है, कहती है तेरा स्केच बनाऊंगी, और देखो क्या बना दिया। माँ माँ अब दीदी वापस कभी भी नहीं आएगी, बोलो ना माँ, चुप क्यों हो? माँ
सर आप? मयूर जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ये पेंटिंग काव्या ने खुद बनाई थी? जी हाँ, इसी ने बनाई है। लेकिन आप लोग ये ढूंढ क्या रहे हैं? बेटी हमारी मरी है और आप हमें पर शक कर रहे हैं? ये मयूर जी, हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं। हमें बस एक क्लू की तलाश है जिससे ये पता चल सके कि काव्या के साथ जो हुआ वो क्यों हुआ। यही सवाल तो मुझे खाए जा रहे। मेरी और सरिता की किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि कोई हमारी बेटी को मार दे। मरी नहीं है मेरी बेटी। मेरी बेटी मरी नहीं है, मेरी काव्या जिंदा है, वो जिंदा है। सर, मैंने काव्या के स्कूल में पूछताछ की। काव्या की किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। लेकिन सर, मैंने काव्या की पड़ोसी रोहिणी का बैकग्राउंड चेक किया। काफ़ी कर्मकांड वाली औरत है। बच्चा नहीं हो पाया इस बात का काफ़ी मलाल है उसे। और सर, रोहिणी का एक मुँहबोला भाई है सर्वेश, जो एक सन्यासी है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये तंत्रमंत्र का चक्कर हो सकता है? रोहिणी ने ही बच्चा पाने की चाहत में काव्या के साथ कुछ कर दिया? सर, मैंने खबरियों से कहा है कि रोहिणी के सन्यासी भाई की कुंडली निकाले। पीछे हटो, पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो हटो। इस लड़की के भी रेड हैंड की कलाई पर मार्क है। सर, विमल सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, उस जली हुई लाश की फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अभी कंफर्म किया कि वो लाश किसी 25 से 26 साल की ग्रोन अप लड़की की थी। 25 से 26 साल की लड़की की थी, लेकिन काव्या तो सिर्फ 16 साल की थी। तो क्या मयूर से गलती हुई? शबे मयूर ने जानबूझकर गलत शिनाख्त की। इस लड़की के रेड हैंड की कलाई पर भी एक मार्क है, कहीं यही तो काव्या नहीं है? ये सब क्या? पहले आपसे पहचानने में भूल हुई थी, वो जली हुई लाश आपकी बेटी काव्या की नहीं थी। देखा, मैंने कहा था ना, वो हमारी काव्या नहीं थी और ये भी हमारी काव्या नहीं है। ये अपना काम ही नहीं करना चाहते, हमसे अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं ये। सरिता जी, आई एम वेरी सॉरी, बट इस बार जो हमें लाश मिली है उसकी कद काठी और उम्र काव्या से बिल्कुल मैच करती है, और इसके दाहिने हाथ की कलाई पर भी एक निशान है। प्लीज आप लोग वो निशान देख लीजिए। ये मेरी बेटी नहीं है। नहीं, आप परेशान कर रहे हैं हमें, जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। मेरी बेटी नहीं है। चलो चलो सरिता, ये हमारी बेटी नहीं है। चलो। डीएनए लगभग 30 दिन का समय लेने वाला था, और अब तक ये चर्चाएं गर्म थी कि इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने अपने पिछले दो केस 48 घंटे के अंदर क्रैक कर लिए थे। लेकिन क्या इस केस में 48 दिन या 48 महीने भी काफी थे? पुलिस ने किडनैपिंग, रंजिश, ऑनर किलिंग और तंत्र से जुड़ी कई थ्योरीज बनाई थी, लेकिन इस केस की जड़ से एक विशालकाय पेड़ पनप रहा था, जिसके गुनाह की गर्म छाया सारा माहौल गर्म करने वाली थी। इस इलाके की 3000 युवाओं की नौकरी से जुड़ा हुआ है ये मामला। 3000 लोग, यानी कि 3000 परिवार। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे नेता धर्म और जात की राजनीति को छोड़ के इस अहम मुद्दे पर बात करेंगे रोजगार जैसे? शायद नहीं करेंगे। मैं दुष्यंत, कैमरामैन सुभाष के साथ अब तक। दुष्यंत, ये क्या पीके पीके न्यूज देते रहते हो यार, थोड़ा तड़का लगाओ ना। सोनाली, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बावर्ची नहीं हूँ। एंड बाय द वे, ये जैदत ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की फाइल है, देख लो। खेड़ापुर के गांव के लोगों का ऑपरेशन किया गया, उनके ऑर्गन्स निकाले गए, उनको डराया धमकाया गया। इट्स अ सीरियस मैटर सोनाली। दुष्यंत, न्यूज सीरियस नहीं, सेंसेशनल होना चाहिए। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है यार, छोटे से गांव में क्या हुआ? फर्क पड़ता है, हम लोग इस प्रोफेशन में इसलिए आए थे ना, ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो मुद्दे हम दिखाएंगे जो अब तक नहीं दिखाए जा रहे थे। सॉरी दुष्यंत, एज अ वाइफ मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, लेकिन एडिटर के नाते मैं ये स्टोरी अलाउ नहीं कर सकती। वैसे ही बहुत मानहानि के दावे हैं हमारे खिलाफ। आई कांट टेक द रिस्क, प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोगों की सोच बहुत अलग है एक्चुअली। तुम ना सिर्फ शोर मचाना चाहती हो, लेकिन मैं सच दिखाना चाहता हूँ। सोनाली, हम हस्बैंड वाइफ है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ अब काम नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक आई शुड लीव दिस चैनल नाउ। इनफ। दुष्यंत। नहीं यार, बस सोनाली, हो गया अभी। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो यार? जस्ट रिलैक्स।
देखो अभी कुछ देर में मैं लाइव जा रही हूँ, हम आराम से बैठ के बात करेंगे ना इस बारे में लेटर। चलो आई विल सी यू सून। हाँ सर, माना कि मैं एक बांझ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के बच्चे को मार दूंगी। देखिए, हम आप पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, पर हमने सुना है कि आप बच्चा पाने के लिए बहुत पूजा पाठ करती हैं, दूसरी विधियां करती हैं अपने इस मुंबले भाई के साथ मिलकर। हाँ तो इसमें गलत क्या है? इस तरह की पूजा पाठ में बलि भी दी जाती है, इंसान की बलि? इंसानी नहीं, पशु की बलि दी जाती है इंस्पेक्टर साहब। शास्त्रों में शस्त्रों से ज्यादा शक्ति होती है, और इसी शक्ति की मदद से मेरी बहन को बच्चे की प्राप्ति होगी, ये बात मैं लिखित में दे सकता हूँ। महोदय, यदि आपने दोबारा हमारी बात काटने का कष्ट किया तो आपको हमारी शक्ति का परिचय होगा, और ये बात मैं भी लिख के दे सकता हूँ। बलि के लिए बकरे कहाँ से लाए जाते थे, एक एक डिटेल देना हमें। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है मयूर? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई रिप्लाई, तुम कर क्या रहे हो? कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ मैं। सुनीता, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हें पता है आप पुलिस आ रही है, बिना मतलब हम पर शक करेगी, बाल की खाल निकालेगी। तुम समझा करो ना, बस थोड़ा सा सब्र करो। मैं अभी तुम अभी भी सुनीता के टच में हो? सुनीता, तुमसे ज्यादा घटिया और सेल्फिश बाप इस दुनिया में कोई नहीं होगा मयूर। शट अप, निकल जाओ यहां से और जाके रहो अपनी उस प्रेमिका के साथ। सुनीता सिंह। जी सर, मयूर का पिछले एक साल से सुनीता सिंह के साथ अफेयर चल रहा है। काव्या की मौत का कनेक्शन इस अफेयर से तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि काव्या का पिता मयूर ही काव्या की मौत का कारण है? व्हाट? सरिता का एक्सीडेंट हो गया है, इसमें जरूर मयूर का हाथ है। नहीं सर, मैंने पता किया है, ये रैश ड्राइविंग का केस है, ड्राइवर नशे में था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि केस इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। रितु, मयूर और मयूर के गर्लफ्रेंड दोनों को थाने बुलाओ। यस सर। तो माहेश्वरी जी, आपको लौकी की सब्जी ज्यादा पसंद है या आलू की? सोनाली, मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ, भूख देखी है मैंने, इसीलिए खाने में मेरे कोई नखरे नहीं है, जो मिल जाए खुशी से खा लेती हूँ। आपकी इसी सादगी की वजह से तो आप जानी जाती है। हाँ सर, मेरा और सुनीता का अफेयर है, लेकिन आप इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। मतलब ये है कि तुम्हारी बीवी और बेटी सुनीता के खिलाफ थे, इसलिए तुमने दोनों को एक एक करके हटा दिया। अब अगला नंबर किसका है? उदय का। आप मुझ पर जो चाहे इल्जाम लगा सकती हैं, वैसे भी एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर रखने वाली औरत को ना सोसाइटी में कोई इज्जत मिलती है, ना ही उसके अपने परिवार में। हमें आपके अफेयर से कोई लेना देना नहीं। देखिए, आप यकीन करिए, मुझे भी सरिता और काव्या की मौत का उतना ही अफसोस है, लेकिन मैं किसी बात के लिए गिल्टी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, पर एक बात साफ कर दूँ, मैंने और सुनीता ने तय किया है कि हम शादी करेंगे, और सुनीता उदय को सभी माँ की तरह प्यार देगी, हम उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हमारी नजर रहेगी तुम पर, काव्या की मौत का हिसाब आना भी बाकी है। तुम क्या बात कर रही हो? नाटक बंद कर। तूने मेरी डिलीवरी की थी ना, और उसके बाद तूने बोला कि मेरा बच्चा मरा हुआ बैठा हुआ है। तूने मेरे बच्चे की शक्ल भी नहीं देख ली थी। सर, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है, वो सरकटी लाश काव्या की है। पता था मुझे, लेकिन मयूर और उसकी गर्लफ्रेंड सुनीता के खिलाफ हमारे पास एक भी सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि काव्या के मर्डर में उनका हाथ है। कहां चूक हो रही है हमसे? हमें ये केस रीइन्वेस्टिगेट करना होगा सर। हमें क्या हुआ सर? प्रमोशन लेटर है। कांग्रेचुलेशंस। पर सर, आप इतने परेशान क्यों हैं? 7 दिन के बाद ज्वाइन करना है, इसका मतलब यह है कि इस केस को सोल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। किसी भी हालत में इन 7 दिन के अंदर हमें केस सोल्व करना है। यस सर।
सोनाली जो वीडियो वायरल हुए देखा है तुमने? सबसे पहले इस औरत का बच्चा इसे छीन लिया और बाद में कह दिया कि बच्चा ही मरा हुआ पैदा हुआ है। आई एम श्योर ये जायदाद ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का इस स्कैम से कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। क्या दुष्यंत, जब देखो तुम काम की बात करते रहते हो। लेट्स टॉक अबाउट अस। कितने दिन हो गए ना हमने अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं किया। सोनाली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टिप मिली है, मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो प्लीज। हेलो राजा, चल भाग्यवान। अरे जल्दी आ जरा, ये गुड्डू है, आज से घर के सारे कामकाज यही करेगा। करेगा ना? हाँ बस ऐसी नजरें और सोच नीचे रखना, ये पिंजरा ही आज से तेरा मुकद्दर है। चल जा, जो ये बोलेंगे वो करना। जा जा। कहाँ हो तुम? अभी आधा घंटा और लगेगा। तो फिर मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? और तुमने उस लड़की की वो इन्फॉर्मेशन निकाली जिस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था सनातन हॉस्पिटल का? सॉरी सोनाली मैम, इस टाइम आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल दुष्यंत सर ने मुझे विशाल नगर बुलाया था। एक घंटे से उनको कॉल कर रहा हूँ, उनका फोन ऑफ आ रहा है, अभी तक आए भी नहीं वो। क्या वो आपके साथ है क्या? कहीं फंस गया होगा, खुद ही कॉल कर लेगा। और हाँ, मैं मीटिंग में हूँ, मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। ओके मैम। जय हिंद सर। जय हिंद जिंदल। अब तक न्यूज चैनल का को फाउंडर दुष्यंत 2 दिन से मिसिंग है। आज उसकी वाइफ सोनाली, जो खुद चैनल की एडिटर है, उसका फोन आया था मुझे। अब ये केस तुम हैंडल करोगे। जय हिंद सर। मैं समझ सकती हूँ कि दुष्यंत के गायब होने के पीछे सबको कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी नजर आ रही होगी। कई नेताओं, बिजनेसमैन, अधिकारियों को नाराज किया था उसने अपनी रिपोर्टिंग से, लेकिन ऑफिसर ऐसा कुछ है नहीं। आपके कहने का मतलब यह है कि दुष्यंत अपनी मर्जी से कहीं चले गए? यस ऑफिसर, एक्चुअली वो कई दिनों से मुझसे ही नाराज था। इस नाराजगी की वजह? हम दोनों ने मिलके ये चैनल खोला था और इवेंचुअली आई बिकेम द फेस ऑफ द चैनल। इसीलिए दुष्यंत को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो पीछे रह गया। सब उसके मन का वहम है। अगली बार मिलूंगी तो समझा लूंगी उसे। आप प्लीज उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालिए। श्योर सर। सर दुष्यंत को आखिरी 3 कॉल उस्मान शेख नाम के आदमी के आए थे। सर यह है उस्मान शेख, हिस्ट्री शीटर है। सर इलीगल आर्म डीलिंग्स के चार्जेस लगे थे इसके ऊपर। लेकिन दुष्यंत की बीवी सोनाली का कहना है कि दुष्यंत उनकी प्रोफेशनल अनबन की वजह से अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। अगर उस्मान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो दुष्यंत खतरे में है। राइट सर। सर दुष्यंत का फोन जैतपुर रोड के पास स्विच ऑफ हुआ था। अभिषेक, उस एरिया की सारी सीसीटीवी फुटेज स्कैन करो, शायद दुष्यंत की कहीं बाइक स्पॉट हुई हो। सर उस्मान सैयद दुष्यंत किसी ड्रग डीलर के कांटेक्ट में था। देखिए अगर बात पैसों की होती तो अब तक रैंसम का कॉल आ चुका होता आपको। हमें डाउट है कि उस्मान को किसने सुपारी दी दुष्यंत की। माय गॉड, वो किस हाल में होगा? आपको शक है किसी पर? नहीं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको खुद फोन करूंगी, प्लीज गिव मी सम टाइम। हम दुष्यंत को खोज रहे थे लेकिन हमें इस लड़की की लाश मिली। पता करो कौन है ये लड़की। अदिति नाम है इसका। सर इसने सतनाम हॉस्पिटल वहाँ के एक डॉक्टर कविता उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने इसकी डिलीवरी करवाई थी और बाद में इसके बच्चे को गायब कर दिया था।
और इसे मरा हुआ बच्चा सौंप दिया था। लेकिन उससे पहले ही उस्मान को दुष्यंत और अदिति की सुपारी दे दी। पता करो दुष्यंत और अदिति के बीच कोई कॉन्टेक्ट था क्या? सर मैं इस अदिति से कभी मिली तो नहीं। हाँ लेकिन दुष्यंत ने मुझसे बात की थी इसके वीडियो के बारे में, बट फिर उसने उस स्टोरी को फॉलो किया या नहीं ये मैं नहीं जानती। मैडम दुष्यंत सर ने मुझसे कहा था कि वो इस स्टोरी। सर अदिति मारी जा चुकी है, कहीं दुष्यंत की जान को तो खतरा। देखिए अगर दुष्यंत और अदिति एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में थे तो यस दुष्यंत के लिए खतरा है। हम सतनाम हॉस्पिटल वाले से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। सर मैं किसी अदिति को नहीं जानती। जब मैंने किसी अदिति नाम के पेशेंट की डिलीवरी की ही नहीं तो बच्चा गायब करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप अगर चाहें तो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सर सतनाम हॉस्पिटल वाले तो इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि अदिति उनके वहां कभी डिलीवरी के लिए आई थी। सर अदिति और दुष्यंत इन दोनों को भी आपस में कोई लिंक नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि दोनों केसेस अलग अलग हों। दुष्यंत गायब है, दुष्यंत जिस हिस्ट्री शीट और उस्मान के टच में था वो भी गायब है। कुछ तो मिस कर रहे हैं हम लोग। एक कुणाल नाम के बिजनेसमैन के साथ अफेयर चल रहा है। सर कुणाल दुष्यंत का ही दोस्त है और दुष्यंत के चैनल को इसी ने फंड किया है। सोनाली का दुष्यंत के ही दोस्त कुणाल के साथ अफेयर चल रहा है। और एक बात, 2 महीने पहले दुष्यंत ने जयदत्त हॉस्पिटल में चल रहे स्कैम को एक्सपोज किया था। कहीं दोनों हॉस्पिटल्स का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? अपने खबरियों को जयदत्त और सतनाम हॉस्पिटल में काम पे लगा, पता कर कौन सा गोरख धंधा चल रहा है वहाँ, और ये अदिति की फैमिली का कब पता चलेगा। जल्दी पता कर, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ठीक है सर। ऑफिसर यहाँ मेरे हस्बैंड इतने दिनों से लापता है और आप उन्हें ढूंढने की जगह मेरी जासूसी कर रहे हैं। मेरा अफेयर है या नहीं है इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये केस आपकी बजाय किसी नेता या अभिनेता से जुड़ा होता ना तो आपने अब तक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर डिबेट शुरू कर दी होती। हमें आपकी तरह चिल्लाकर झूठ को सच बनाने की आदत नहीं है। हम सच को ना खोद के निकालते हैं। आपके पति दुष्यंत की सच्चाई भी हम सामने लाकर रहेंगे। हेलो सर उस्मान का पता चल गया है। उठा लो उसे। सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो दुष्यंत साहब के लिए कबरी का काम कर रहा था। क्या काम दिया था दुष्यंत ने तुझे? वो अदिति है ना जिसने सतनाम अस्पताल पर अपना बच्चा गायब करने का इल्जाम लगाया था, बस उसी के बारे में पता करने को बोला था। अदिति के बारे में क्या पता किया तूने? साहब वो अदिति थी नहीं, उसका नाम दीपाली था और वो एक पत्रकार थी। सर उस्मान सही बोल रहा था। दीपाली उर्फ अदिति जिस अखबार के लिए काम करती थी उससे मेरी बात हुई। एक जर्नलिस्ट इतने रेपुटेड हॉस्पिटल पे आखिर ब्लेम क्यों कर रही थी? आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अंत में एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरे पति दुष्यंत के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू। तो महेश्वरी सतनाम और जयदत्त इन दोनों हॉस्पिटल में साइलेंट पार्टनर है। उसके भी काफी करीबी ताल्लुकात हैं महेश्वरी के साथ। मैडम के ऊपर करप्शन के कई चार्जेस हैं और मैडम की इमेज को क्लीन करने के लिए पूरे जोर शोर से लगी है सोनाली। महेश्वरी जी इस बार आपका इंटरव्यू आपके गांव में करेंगे, अपने पापा को भी साथ रखिएगा। हाँ जनता के दिलों को छू जाते हैं ऐसे मोमेंट्स। जनता की नब्ज हम नेता तो मैंकर से ज्यादा समझते हैं, वो सब हम पे छोड़ दो। खैर ये बताओ तुम्हारे पति दुष्यंत की कोई खबर मिली? देखिए सर आप ही ने तो ये केस मुझे हैंडओवर किया था। देखिए सर मैं इस केस को सॉल्व करने के काफी करीब हूँ। जिंदल नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। दुष्यंत का केस पांडे के हवाले करो और कल आकर मुझे हेडक्वार्टर में मिलो। चैन सर। सर सर महेश्वरी मैडम के इस इलाके में लगभग 15 इलीगल प्रॉपर्टीज हैं और मैडम को बने हुए अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं। ये देखिए सर। और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। हेडक्वार्टर से कॉल आ गया है जो आप चाहते ही नहीं है मैं इस केस को लेके आ गया। इस सिस्टम इज सुक। ये कॉटेज मैंने कहीं तो देखा है। ये पेंटिंग काव्या ने खुद बनाई थी? जी हाँ उसी ने बनाई है। सर ये तो ज्योति नगर में मकराना रोड पर है। यस काव्या मर्डर केस। नहीं सर आपके जाने के बाद काव्या के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और सर काव्या के बाद पिछले 4 सालों में और भी कई यंग लड़कियों की मिसिंग केस रिपोर्ट हुई है। थैंक्स रितु। डीआईजी सर ने मुझसे केस तो ले लिया लेकिन इत्तफाक से मुझे 4 साल पुराना केस याद आ गया और मुझे लगता है इन दोनों केसेस का आपस में कनेक्शन है।
और ये कनेक्शन साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। आज के आज हमें ये केस क्रैक करना है। चलो, ये बंगला तो सालों से बंद है साहब, यहाँ कोई नहीं आता, बस कभी कभार गुड्डू भैया आते हैं। कौन है गुड्डू? माहेश्वरी का पीए। ट्रांसफर से जी नहीं भरा क्या, जो डिसमिस होने का मन बना लिया? मन की बात बाद में करते हैं, फिलहाल काम की बात करते हैं। क्यों जनक, उर्फ गुड्डू, यही नाम है ना तेरा? इंस्पेक्टर, आपको शायद कोई गलत पर... आपकी बेनामी संपत्ति है ना, आपका वो फार्म हाउस मकराना रोड पर, इसकी करतूत के पक्के सबूत मिले हमें वहां पर। ये तो खून है सर। कुछ याद आया गुड्डू भैया? नहीं आया, कोई नहीं, हम याद दिलाते। अलग कार्य। ये सब का जड़ मेरा बाप है। वो चाहता था कि मैं पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन क्या करता सर, मेरे इस भेजे में कुछ घुसता ही नहीं कभी। परेशान हो गया था उसकी मार खाते खाते, हिम्मत का सर फोड़ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? अपने बाप की मार। एक दिन ना दिमाग खसक गया मेरा, और मैंने अपने बाप को ही मार दिया। प्रमोद, बड़ी तेज बुद्धि थी उसकी सर, मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। ये सब महेश्वरी के कहने पे किया ना तूने? नहीं नहीं, महेश्वरी मैडम को तो पता ही नहीं है कि उनके पति को किसने मारा, कभी मुझ पर शक भी नहीं हुआ। और महेश्वरी मैडम, और बड़ी सयानी औरत निकली होगी, दिमाग लगाकर ऐसे बन गई, लेकिन मुझे बड़ा मानती है वो, इसलिए उसकी सेवा करता हूँ और मेवा खाता हूँ। काव्या को किसने मारा? काव्या अक्सर आती थी फार्म हाउस पे, देखते ही पसंद आ गई मुझे, अच्छी कलाकार थी, साइकिल भी बढ़िया चलाती थी, अच्छी लगी तो उठा लिया उसको। वो पत्रकार दुष्यंत, उसको भी मैंने ही मारा था, मैडम की जासूसी कर रहा था, अचानक फार्म हाउस पहुंच गया, कुछ तो ढूंढ रहा था वो। और अदिति, अदिति को भी तूने मारा? अदिति नहीं, दीपाली। हाँ दीपाली, दीपाली को तूने ही मारा? उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था सर, ये काम मैंने महेश्वरी मैडम के लिए किया, हैरान करके रखा था उसने मैडम को, वो न्यूज़ रिपोर्टर थी। अरे हॉस्पिटल पे इंक्वायरी बिठाना था उसको, वो जो नवजात बच्चे गायब हो रहे थे उसके स्कैम को एक्सपोज करना चाहती थी वो। अब तक टोटल कितने लोगों को मारा है तूने? 30, पूरी गिनती रखता हूँ सर। जो दिमाग है ना, बहुत तेज हो गया मेरा, मगज का जूस पीकर। मगज का जूस पीकर मतलब? जिस किसी को मारता हूं ना, उसकी खोपड़ी अलग करके, बस वही किया हमने सर। इंसान नहीं, इंसानों के नाम पर हैवान है तू, इंसानों को निगलने वाला दानव। तेरे जैसे दानवों की समाज को कोई जरूरत नहीं है। हमने आदि मानव से मानव बनने और मानवों द्वारा निर्मित की गई कई सभ्यताओं के विकास और पतन की गाथाएं सुनी होंगी, लेकिन ये गाथा मानवीय अस्तित्व को विचलित करने वाली व्यथा है। ये ख्याल ही आतंक से भरा हुआ है कि कोई इंसान इंसान को मार के खा सकता है, लेकिन जनक ने दावा किया है कि वो लगभग 30 लोगों को मार के उनके मगज का मांसाहार कर चुका है। नोएडा के निठारी कांड के बाद ये हिंदुस्तान का दूसरा कैनिबल यानी नरभक्षी हत्याकांड है। और हैरानी की बात ये थी कि ये सभी हत्याएं सन 2005 से हो रही थी। अलग अलग क्षेत्रों से आए दिन कई लोग गायब हो रहे थे, और आखिरकार ऑन रिकॉर्ड फाइल हुए 18 मिसिंग केस और 4 हत्या के केस लगभग 15 साल बाद न्याय की दहलीज पर पहुंचे। लेकिन जनक जैसी विकृत मानसिकता के अपराधियों की मानसिक स्थिति पे ये सवाल उठने लगते हैं कि कहीं वो एबनॉर्मल तो नहीं, और इस परिस्थिति में कातिल को सजा में रियायत मिल जाती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने जल्द ही ये साफ कर दिया कि जनक एबनॉर्मल नहीं था, लेकिन बचपन से पनप रहे मानसिक अवसाद ने उसको इतना खूंखार अपराधी बना दिया। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर होगी मुलाकात एक नए और चौंका देने वाले केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.